आरकेपुरम जाना है। एसके उधर भैया आरकेपुरम जाना है मुझे। हाँ बताते ना, मैं छोड़ा उधर आगे तक। मुझे तो थोड़ा बढ़िया बढ़िया फोटो खींचे बाजी के। अच्छा, बड़े बड़े लोग आए आज हमारे घर पे, बड़े बड़े लोग, साइज में भी बड़े, वैसे भी बड़े बड़े लोग। पाजी मजे ले रहे हैं, पाजी बाइकर बन रहे हैं, इनको हम बाइकर बना रहे हैं। ओह माय, पेट से छुट्टी हो गई। ये पाजी आपने जादू कर रखा ना। आ जाएगी आ जाएगी आ जाएगी। यो 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 यो, व्हाट्सअप। पाजी की इंट्रोडक्शन की किसी को जरूरत नहीं है। हेलो पाजी, ऑलरेडी सेठ जी हैं विद पेट जी हैं, तो इन्हीं का डायलॉग था जो बहुत फेमस हुआ। तो फिलहाल का ये सीन ऐसा है कि अभी है फ्राइडे इवनिंग है और 4:30 हो रहे हैं। मैं जा रहा हूँ पाजी को अपने नए एग्जॉस्ट सुनाने दिखाने, चला के देखेंगे, हम आवाज़ सुनेंगे। साथ में हमें ज्वाइन करने वाले जय पाजी, वो भी एक स्पेशल सी बाइक लेके आ रहे हैं, निंजा 1000। वो मैं चलाऊंगा, अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा और क्या करेंगे, मजे करेंगे भाई, मस्ती करने वाले हैं। बाय द वे गाइस, हम लोग जा रहे हैं, पाजी, मैं, जय पाजी और एक उनके मित्र, हम लोग जा रहे हैं दिल्ली से बाहर। एक बहुत बढ़िया रोड ट्रिप है। ऑब्वियसली जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे, हम ऑलरेडी रोड ट्रिप पे होंगे, आधे से ज़्यादा रास्ता कवर कर चुके होंगे। तो पाजी का दोस्तों को मज़ा आ रहा होगा। तो अभी इनको राइडर बना रहे हैं हम, अभी हमने जैकेट दिखाई है, अभी हेलमेट दिखा रहे हैं, तो पूरा गेयर्ड अप होके हम लोग जाएंगे सेफ्टी के साथ में, फुल एंजॉय करके आएंगे हम। सो गाइस, ऑफिशियली दिस इज द फर्स्ट राइड आफ्टर द एग्जॉस्ट चेंज। लेट मी टेल यू माई फर्स्ट एक्सप्रेशंस ऑफ दिस न्यू एग्जॉस्ट। आई फील कि थोड़ा सा अभी बेस कम है इसमें, आवाज़ उतना मोटा नहीं है जितना TBR का आता था। एंड अगेन लुक्स पे कॉम्प्रोमाइज़ किया है, क्योंकि TBR बहुत अच्छे लगते थे ब्लैक कलर वाले दूसरा के साथ में। वेरस ये भी अच्छे लग रहे हैं, बट शॉर्टन है, थोड़े से छोटे हैं। कहाँ पे लगा है कील? है कील? सो सैडली गाइस, बाइक में हो गया है एक पंचर। अच्छी बात है घर के पास में हुआ और पेट्रोल पंप पास में था। तो ये तो हमारे बब्बू बाजी की आंखें बड़ी स्ट्रांग है, ये रेबन लगा के इनको कील नजर आ गया। अच्छा, ये तो बहुत छोटा वाला। ओह, बचाव हो गया है ना, समझ गया। चलो रहने दो, लेट्स लीव इट, बिकॉज इतना बड़ा छेदा करना पड़ेगा। नहीं नहीं, आई वॉज लकी इनफ गाइस, ये तो छोटा सा एक पेज था, बहुत छोटा सा, और इससे पंचर नहीं हुआ। सो इसी बात पे 40 रुपए की पार्टी पार्टी मेरी तरफ से ढाबे पे। चलो चलो ठीक है भैया, आज पार्टी करेंगे हम, 40 रुपए बजाए हमने। चलो जब से इसका एयर फिल्टर साफ करवाया है, काफ़ी स्मूथ चल रही है, अच्छा लग रहा है, लाइट लाइट फील हो रही है। अरे तुम अच्छा खिंचा ले यार, वीडियो देखते हो क्या? पढ़ाई करते हो? नहीं करते हो? करते हैं। पढ़ाई भी करते हो ना, ठीक है, नहीं तो भाई कंप्लेंट आ जाएगी। मैं छोटा बच्चा था, बड़ी शरारते करता था, जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ पॉकेट में पहन ही दे तो मैंने क्या किया, डोरी काट दी। फैशन स्टेटमेंट कभी आप पड़े पड़े की बनाए, फैशन स्टेटमेंट। हमने गफार से लिए 200 रुपए के, तार काट के अब इनकी वैल्यू हो गई 12,000 रुपए। कमाल की बात है, सुनते में भी गाने ही है ना। नहीं यार दिल नहीं मान रहा, कुछ खाली खाली लग रहा पीछे से।
उतार दिया जाए। लग रहा ना था बहुत छोटी लग रही है यार। कैसी लग रही है बबू बाजी? बहुत जबरदस्त लग रही है, मजा आ गया। मजा आ गया पूरा मजा। हमें तो अच्छी नहीं लग रही, हम कह रहे उतार देते हैं, मजा नहीं आ रहा। क्या किया जाए? अच्छा आप ही बता दो क्या किया जाए। कमेंट डाउन, आपको आवाज़ कैसी लगी, लुक्स कैसी लगी, तो आपका भी फीडबैक जान लेते हैं, उसके बाद डिसीजन लेते हैं कि मुझे अपने टी बी आर सेल आउट करने हैं या इसको रीसेल आउट करने हैं। बिकॉज अभी दिल से बता रहा हूँ आई एम लिटिल कंफ्यूज। मुझे आरकेपुरम जाना है। एक्सक्यूज मी भैया, आरकेपुरम जाना मुझे। हम बताते हैं ना, हमें छोड़ा नहीं, थोड़ा नहीं, आगे मुझे तो थोड़ा डार्क अंधेरे में तो आप मुझे छोड़ सकते थे। नहीं नहीं हम छोड़ाते हैं ये लो पोजिया। ये हमने कल टैंक पैड नया लगवाया था, वो अच्छे से प्रेस कर रहे हैं यहाँ पे। ये प्रेसिंग मशीन है ना, मशीन है। एयरबैग्स एयरबैग्स। खींच के ले गया। हेलो भैया, कैसे हो सारे? तो ऐसा यार, जो मैं ट्रिप की बात कर रहा था घर पे, तो बब्बू पाजी, जय पाजी, हम लोग जा रहे हैं एक ट्रिप पे। हाँ। बहुत पीके में नहीं देखते ऐसे। खतरनाक ट्रिप होने वाला है बेसिकली। हाँ। मतलब ये नहीं कि हम लड़ाई वड़ाई करने जा रहे हैं वहाँ पे। बेसिकली बर्फ होगी, एक्सट्रीम एडवेंचर होगा और बहुत कुछ होगा। और इसके लिए पाजी ने ट्राई भी कर दिया, बर्फ की सिल्लियां घर पे ला के उस पे लेटना शुरू कर दिया। ट्राई कर लिया, क्लाइमेटाइज हो गए हैं अभी से। क्लाइमेटाइज हो गए हैं कि हमें ज्यादा ठंड ना लगे, तो हम अभी से प्रिपेयर कर रहे हैं। तो थोड़ा साइड हो जाओ, वो भी आ रहा है। ये तो रुका ही नहीं। एंड बाय द वे, मैं अभी ये चलाने वाला हूँ, हरी परी ग्रीन ब्यूटी सीएनजी की गाड़ी। ये सीएनजी फिटेड है, सीएनजी फिटेड है, और यहाँ से सीएनजी डलती है। ये यहाँ से सीएनजी डलती है इसके अंदर में, और सीएनजी वाला कलर है, तो मैं ये चलाने वाला हूँ। पाजी चलाएंगे भूसा, ताकि मैं भी आवाज़ सुन पाऊँ कि कैसी है नए वाले एग्जॉस्ट की। तो फिलहाल अभी हम लोग जाने वाले हैं ताज सीसीडी, क्योंकि वहाँ भी एक बहुत स्पेशल सी बाइक आने वाली है। बट गाइस एज यूजुअल, स्पेशल बाइक की स्पेशल कवरेज इन अ सेपरेट वीडियो, बट कुछ ग्लिम्स आपको मैं शॉर्टली दिखा दूंगा। तो चले चलो। इसका टैंक पैड बहुत बढ़िया लग रहा है। ये अजीत आपकी बाइक में भी शायद ऐसे ही लगा। सो आज मैं चला रहा हूँ पाजी की भूसा, और पाजी ने कुछ चेंज करवाया है। आई थिंक ये कुछ स्टील मेकर है, स्टील की रोड रोड है, पता नहीं कहाँ यूएस से कहाँ से मंगाया है। तो देखते हैं आज इसका साउंड कैसा आता है। क्या कह रहे हो भाई, क्या कह रहे हो? ये धूम मचा ले, धूम धूम मचा ले, और एटीएम चोरने का कोई बहाना नहीं है। अब वो लग रहे हो जरा वो 1990 के वो जॉन अब्राहम। बहुत टाइम के बाद ये चला रहा हूँ मैं, निंजा 1000। एनी डे स्मूथ तो बहुत है, तो कंपैरेटिवली गाइस इसकी सीट हाइट ऊंची है और राइडिंग पोस्चर स्ट्रेट है, तो बहुत इजी है इसको राइड करना। वैसे दोनों ही टूरिंग पर्पस के लिए बनी है। अच्छी बात यह है कि हरजोत भी हमें ज्वाइन कर रहा है, तो सीधा अपने ऑफिस से वो आ रहा है। अभी बात हुई हमारी फोन पे। यो पाजी, चश्मा लगाएगा तो जान ही नहीं पाया। ओह मैन, चलो जय पाजी गलत चले गए, नाउ टू स्लो डाउन फॉर हिम।
सो पीपल हम लोग पहुंच चुके हैं अभी तादसी सिटी एंड अभी पाजी की हमारे पास एक बाइक है बहुत बढ़िया, ये है जसदीप सिंह उर्फ फैजल, बड़ा यूनिक नेम है फैजल, रेयर हो जाता है बट ऐसा है कि एक बारी में कैच हो जाता है तो मुझे इनको फैजल बुलाने में अच्छा लगता है, सो आई विल कॉल हिम फैजल इन दिस वीडियो। और इनकी एक बहुत फ्यूरियस सी बाइक है बाहर खड़ी है, शूट कर रहा हूँ और वो आएगा अगली वीडियो में। इट्स टू हॉट गाइस, बट अच्छी बात है हमें सीसीडी पे ये मिलता है नींबू सोडा, देसी देसी चिलर, इस गर्मी में बहुत रिक्वायरमेंट है। It's too chill man but too yummy. Thank you bro. My pleasure. So guys, separate video मैंने बना दिया है, इस video के बाद में आएगा तो देखना मत भूलना। Amazing machine है, amazing। तो मैंने इसको चलाया है, इसके बारे में कुछ बताया है। मेरे दो अनमोल रतन, अब हम लोग अंदर जा रहे हैं क्योंकि हरजोत अंदर है, बब्बू पाजी अंदर है, काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं हम। जब आए थे तब अभी सूरज निकला हुआ था, अभी अंधेरा होने को है। हाँ यार पता नहीं कुछ बैठ जाए, थोड़ी थोड़ी देर में आवाज़ इतनी मोटी हो जाती है ऐसे लगता है 45 के हो गए हम लोग। ये हम टॉनिक पियेंगे अभी फिर आ जाएंगे 30 में, है जी ये जादू वाला टॉनिक पियेंगे 45 साल से 30 साल पे आ जाएंगे। क्या बात है यार, क्या बात है, इट्स लुकिंग सो ब्यूटीफुल, वेरी डिलीशियस। गर्मी बहुत है, पाजी से पूछ लो व्हाई इट्स सो सीरियस। क्या कहना चाहिए? आई एम स्लगिश ब्रो, आई वांट टू स्लीप। बस सब आ रहा है आपका? हाँ ऐसा होता है जब बॉस ऑफिस में लेता है ना, फिर शाम में होते होते ऐसी हालत हो जाती है। कितनी दोगे यार, लिमिट होती है। सही बात है, बहुत कह के लेता है इसकी बॉस। इट्स टाइम टू गो, अभी 8:03 एंड वी आर प्लानिंग कि अभी जाएंगे हम लोग गुरुद्वारा बंगला साहब, सोने दर्शन करेंगे, सोने दर्शन, और मुझे कुछ सामान भी लेना वहाँ से। तो जी बड़े मशहूर दाल के पकोड़े, दाल के लड्डू बेसिकली हम लोग खाने हैं यहाँ पे। मूंग की दाल दे, मूंग की दाल दे पकोड़े। नहीं यार पकोड़े पकोड़े निकल रहे, पकोड़े बहुत पड़े हैं देखो, ये पकोड़े वो पकोड़े, ये मिर्ची पकोड़े, ये पेट के पकोड़े। हाँ सीम सियाम, अब आप बताओ पतला कैसे हूँ मैं? ये पाजी मेरे को भी पतला नहीं होने देंगे। वेरी एसेंशियल सिमको फॉर द रोड ट्रिप, दिखाओ एक बार साइज सही है। लुक एट द बाइक मैन, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। मेरे को अभी मिला है बाइक का ऑनर तरन, तो बॉस ग्रुप से ही है, आपने देखा होगा मेरी प्रीवियस वीडियो में। बट जो भी कह लो यार क्या प्रेजेंस है इसकी, पार्किंग में लगी हुई है, दूर से नजर आ गई, मैंने कहा यार राजू की सवारी यहाँ खड़ी है। बहुत अच्छे दर्शन हो गए गाइस, अभी देयर इज अ स्लाइट चेंज इन द प्लान बिकॉज 10 बज रहे हैं, तो आई थिंक अभी हम लोग जा रहे हैं अपने अपने घर को, खाना खाएंगे वहीं पे। रीज़न बीइंग मुझे ये ब्लॉग एडिट भी करना है, कल भी मुझे कुछ काम है और उसके बाद में टाइम बचेगा नहीं बिकॉज वी आर गोइंग ऑन अ रोड ट्रिप। सो आई होप गाइस आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ यार इसको लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में, अंटिल देन साइनिंग ऑफ जेसन, बाय बाय।